मॉर्निंग चिल्ड्रंस, मेरा नाम पार्वती है। मैं पहली कक्षा को हिंदी भाषा लेती हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। देखो, अभी हम बातचीत करने के लिए भाषा का आवश्यक होना चाहिए। ये भाषा सीखने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें भाषा सीखने के लिए भाषा का अक्षर होना चाहिए, अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। तो अक्षर का ज्ञान क्या होता है, कैसे जानकारी पाएंगे, ये हम देंगे आपको। देखो, कन्नड़ा इंग्लिश जैसे अल्फाबेट्स है, कन्नड़ा वर्णमाला है, जैसे ही हिंदी में हिंदी वर्णमाला आता है। हिंदी वर्णमाला में भी स्वराक्षर होता है और व्यंजनाक्षर होता है। मकड़े भाषा कलिए ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಬೇಕು। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿಗೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ। ವರ್ಣಮಾಲೆ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಇದೆ। ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಅಬ್ ಹಮ್ ಭಾಷಾ ಸೀಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಭೀ ಸೀಖನಾ ಅವಶ್ಯಕ ಹೈ। ಜೈಸೆ ಹಮ್ ಕೈಸೆ ಆತಾ ಹೈ, ಅಬ್ ಪಹಲೆ ಹಮ್ ಸ್ವರ आओ सीखे स्वर। स्वर वर्णमाला में स्वराक्षर है। अब हम आपको स्वराक्षर कैसे लिखेंगे पहले वो सिखाते हैं। वो सीखने से पहले हम आपको उच्चारण सिखाते हैं। देखो एक बार, आपका किताब आपके पास भी है, देखो एक बार, मैं भी आपको दिखाती हूँ। एक किताब पहला आओ सीखे स्वर देखो। अ अनार, अ आम, इ इमली, इ ईख, उ उल्लू, ऋ उ ऊन, ऋ ऋषि, ए एकतारा, ऐ ऐनक, ओ ओकरी, औ औरत, अ अंगूर, आहा। देखो, कन्नड़ा में भी इंग्लिश हिंदी में दो अक्षर नहीं। कन्नड़ा में ए होके बाद ए है, ए यहाँ हिंदी पर ए नहीं, जैसे ओ है ओ नहीं है। अभी कन्नड़ा वर्णमाला स्वराक्षर 15 है, अभी हिंदी वर्णमाला में स्वराक्षर 13 है, 13 है, आपको याद रहेगा। और एक बार दोहराओ, आ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, उ उल्लू, उ ऊन, ऋ ऋषि, ए एकतारा, ऐ ऐनक, ओ ओकली, औ औरत, औ अंगूर, आहा। मेरे साथ और एक बार दोहराओ, आ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, उ उल्लू, उ ऊन, ऋ ऋषि, ए एकतारा, ऐ ऐनक, ओ ओकली, ओ औ औरत, आ अंगूर, आहा। देखो, आपको किताब में फिगर के साथ आ अनार, अनार इंग्लिश में पोमोग्रेनेट, क्या कहते हैं, पोमोग्रेनेट कहते हैं। आ अनार आपको याद होगा। देखो चित्र भी है, फिगर भी है। आ अनार, आ आम इंग्लिश में मैंगो, आ अनार, आ आम, ई इमली, इमली को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टरमेरिन, क्या बोलेंगे, टरमेरिन, ई इमली, ई ईक, शुगर कैन, ईक शुगर कैन, ई इमली, ई ईक शुगर कैन,
उल्लू उल्लू ओल वो उल्लू ओल ऊ ऊन ऊ ऊन क्या बोलेंगे ऊन ऋषि सेंट ऋषि सेंट ए एक तारा क्या है एक तारा आई ऐनक आई ऐनक ग्लासेस ऐनक ग्लासेस ओखली मोटर औरत उमन आम अंगूर ग्रेप्स अंगूर ग्रेप्स आहा आपको याद होगा अभी देख एक बार किताब में बार बार घर में दोहरा हो आपको और एक बार पढ़ाएंगे देखो अनार पोमोग्रेनेट अनार पोमोग्रेनेट आम मैंगो इमली टर्मेरिक शुगर कैन उल्लू ओल देखो आ लिखने का पहला कभी भी हिंदी अक्षर लकीर के नीचे आना लाइन से डाउन में रहना लाइन से देखो ये लाइन है इसके नीचे है देखो ऐसा ही लिखते जाना देखो मैं भी यहाँ लिखने सिखाती हूँ देखो आ देखो आ देखो ये और एक बार और एक बार देखो और एक देखना लिखने का तरीका देखो पहले से नीचे आना देखो ई देखो ई ओ ई ऊपर ऐसे देना ऐसा ही देखो वो ऐसा ही ऊ देखो वो रो देखो पहले गी ताकि देखो रो देखो एक बार ये देखो ऐसा
आई आई ओ आ जैसे ही लिखना ऊपर एक देना आओ देखो इज है सुलभ रूप से लिखे जा हम देखो आपको लिखने का तरीका देखो एक एक बार और एक बार देखो देखो एक बार और एक बार आ बोलते बोलते इतना आ ई देखो बच्चों ये बार बार घर में लिख कर कॉपी में लिख कर आप याद करना है ये शब्दों को और एक बार घर में ये बार बार दोहराना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्लास में व्यंजन अक्षर सीखेंगे। चलो अब आप इतना ही आज के क्लास में बस इतना ही सीख कर मुझे वॉइस कार्ड में मुझे भेजो ओके सेंड करो।